हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बुकलेट सेट पी का क्वेश्चन है। सिर्फ आज हम लोग फिजिक्स का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन वन ओम इज इक्वल टू, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन 4, 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट × 1 एम्पियर। क्वेश्चन 5, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल्स बिकॉज, ऑप्शन इसका बी, अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 6, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन 7, 2 डिवाइसेज आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द पॉइंट्स इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज। क्वेश्चन 8, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द कोलाइडेड पार्टिकल्स इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन 9, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10 इज, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ अ टीथ ऑफ पेशेंट इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, ही प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.05 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 13, द स्विमिंग पूल अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 14, विच कलर इज रिफ्रैक्टेड द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड फ्रॉम द प्रिज्म, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉयलेट। क्वेश्चन 15, वर्क ऑफ 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम्ब चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 वोल्ट। क्वेश्चन 16, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ कॉनकेव। क्वेश्चन 17, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.6। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैपिटल आर बाई स्मॉल एन। क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन 20, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज,
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करेंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। क्वेश्चन 21, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, ऑप्शन ए वर्चुअल इरेक्ट, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज नोन एज, ऑप्शन बी स्नेल्स लॉ। विच अमॉन्ग द, क्वेश्चन नंबर 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज अ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डायमंड। क्वेश्चन नंबर 24, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अपर्चर। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, ऑप्शन बी आंसर होगा डायोप्टर। 26, द एसी सप्लाई टू द हाउसेज इज ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई इज विथ रेड इंसुलेशन कॉल्ड एज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइव वायर। क्वेश्चन नंबर 27, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रीजेज हेविली। द सेफ्टी डिवाइसेज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्यूज। क्वेश्चन 29, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट, देन द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओवन इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9.098। क्वेश्चन नंबर 30, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इन्फिनिटी। क्वेश्चन 31 देखते हैं, अ करेंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ टू नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 32, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करेंट, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, इसका सही आंसर होगा 33 का बी मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 34, द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करेंट इन अ सर्किट इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, द बेसिक फिनोमेनन अंडर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंग विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ अ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाई द एक्शन ऑफ द, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिलियरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इट्स लेंथ। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज गिवन बिलो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3/5 ओम। क्वेश्चन नंबर 40, सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड अ करेंट कैरिंग सोलेनाइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल इंक्रीज। इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज डबल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डबल्स। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रास। क्वेश्चन नंबर 43, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 32 सेंटीमीटर इफ फोकल लेंथ इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्ले। क्वेश्चन 45, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनकेव।
क्वेश्चन नंबर 46, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. द इमेज डिस्टेंस इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 47, रेटिना ऑफ द आई इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन. क्वेश्चन 48, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द, इसका सही आंसर होगा 48 का ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 49, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5D फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, -0.181 मीटर. क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. सो गाइज, आप लोग अपना सेट को मिला लें और देख लें कितना नंबर आप पाए हैं एग्ज़ाम के बाद.